हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप फ्रेंड्स क्लास ट्वेल्थ वालों, यूपी बोर्ड वालों और अदर बोर्ड्स वालों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा आप हिंदी इंग्लिश को भी टाइम दे रहे होगे। तो आज की वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश समझने वाले हैं, जो कि हिंदी का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये रहा देखो 2023 का सामान्य हिंदी का आपका पेपर। देखो ये 302 सेट है और इसमें देखो आज की जो कहानी है उसका नाम है बहादुर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये पेपर में आती है। तो देखिए बच्चों, ये रहा लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी वो मैंने डाली थी पंचलाइट पे। तो देखो ये रहा ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट, लिखो कितने नंबर की, 5 नंबर की। और यहाँ पर है बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम सीमा 80 शब्द है। 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना तुम्हें, 80 शब्द के अंदर ही लिखना है ना। ये भी 5 नंबर है। तो देखो अथवा अथवा लिख रहा है, मतलब ध्रुवयात्रा, पंचलाइट, बहादुर, इन तीनों में से आपको कोई एक करनी है। ठीक है, तो पंचलाइट में आपको करा चुका हूँ और बहादुर में आपको आज करा रहा हूँ। और इन दो और ध्रुव यात्रा, इन तीनों में से हर साल कोई ना कोई एक या दो पक्का आती हैं, तो आपको कोई एक करनी होगी यार। तो आपको कहानी का तो टेंशन लेनी नहीं है, आपके 5 नंबर आज पक्के होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा, तो आपको समझना है और बस ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखते जाना है। देखो सबसे पहले बहादुर कहानी का सारांश जो है, अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। देखो सबसे पहली बात, लेखक के बारे में लिखा जाता है, तो ये कौन है, अमरकांत जी। लेखक का नाम क्या याद रखना है, अमरकांत जी द्वारा लिखी। अब अमरकांत जी द्वारा लिखी है ना, थोड़ी बहुत हिंदी तो लिखोगे भाई, ये तो नहीं लिखोगे अमरकांत जी ने लिख दी। तो अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी, उसका नाम लिख दिया आपने ऐसे अच्छे तरीके से, बहादुर कहानी। अब ये किसके बारे में है, ये एक मध्यम वर्गीय, भाई हम अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में, अब नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा, तो एक नौकर है और उसके साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार, कटु मतलब गंदा व्यवहार है ना। तो बेसिकली बहादुर में एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का है नौकर, जो कि नौकर है और उसके साथ परिवारजनों द्वारा जो भी अत्यधिक कटु व्यवहार किया जा रहा है उसके बारे में एक कहानी। बहादुर जो है वो नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है, 12 से 13 वर्षीय एक बालक है, ठीक है, जो इस कहानी का नायक है, जो भाई मेन लीड में है, भाई है ना, मेन हीरो है। और जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर, देखो क्या होता है कि हम छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भाई मम्मी जो होती हैं वो उनके लिए भला चाह रही हैं भले, लेकिन बस जरा सा उन्होंने कुछ बोल दिया तो नाराज़ हो गए। तो ऐसे ही लेकिन उसकी जो माँ थी वो आई थिंक ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रही होगी उसके साथ, तो उसे ऐसा लगा कि वो तंग आ गया और वो घर छोड़कर शहर निकल गया है ना, इतना गुस्सा हो गया कि शहर निकल जाता है और वहाँ पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। तो देखना बहुत ही इजी चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि अमरकांत जी ने लिखी है बहादुर कहानी, और ये किसके बारे में है कि एक नौकर के साथ परिवारजनों ने जो भी कटु व्यवहार किया है उसके लिए है। फिर आया बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है ना, जो इस कहानी का नायक है और जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर कहाँ चला जाता है, घर से शहर चला जाता है। अब वो शहर में जाता है तो खाएगा पिएगा कैसे, तो और वहाँ पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। तो निर्मला एक औरत है जिसके परिवार, जिसका परिवार है मध्यम वर्गीय, उसके परिवार में क्या करने लगता है, नौकरी करने लगता है। अब नौकरी का मतलब ये हो गया भाई कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारा काम उसके घर में करने लगता है। अब बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत ही ईमानदारी से करता है, भाई वो ईमानदार बंदा था है ना, ये नहीं कि वो मम्मी से तंग आकर अगर शहर में आ गया तो चोरी चकारी करेगा, वो ईमानदार था, 12 से 13 साल का बच्चा ही तो है। अब निर्मला और उसका परिवार जो है वो पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं है ना। देखो बेसिकली फोकस इसी पर है कि पहले तो भाई वो बहादुर है और क्या कहते हैं उसका नाम बहादुर है, तो बहादुर से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। परंतु कुछ समय बाद, अब देखो वही वाली बात आ गई, कुछ समय बाद क्या करा, वे उसके साथ मारपीट करने लग गए, उससे छोटी सी गलती हो गई, चाय गिर गई या फिर कुछ हो गया है ना, कोई मान आ गए उनसे बदतमीजी, उसे उन्हें लगा कि ये कुछ कर नहीं रहा है, तो काम नहीं कर रहा, तो उनके सामने बदतमीजी कर दी, उसके सामने मारपीट कर दी, तथा गाली गलौज भी करते हैं, तथा क्या भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। मारपीट और गालियों के कारण, अब भाई किसी को तो मारोगे ठीक है और गालियां दोगे, तो कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगता, उसका काम में मन नहीं लग रहा है ना, वो ये सोच रहा है कि मैं शहर क्यों आ गया, मेरा दिमाग खराब था, मैं यहाँ पे आ गया अपनी मम्मी से लड़के। तथा एक दिन तो हद ही पार हो गई, अब एक दिन हद क्या पार हो गई, देखो ध्यान समझिएगा, एक दिन हद ही पार हो जाती है क्या, कि जब निर्मला का पुत्र किशोर, निर्मला जो थी ना जिसके घर में काम कर रहा था, उसका जो पुत्र था किशोर, बेटा था उसका, भाई उसका तो मालिक लगा बहादुर का है ना, उसका तो छोटा मालिक लगा, तो किशोर बहादुर को सुअर का बच्चा कह देता है, ठीक है, क्या कहता है बहादुर को, सुअर का बच्चा। तो ये तो गाली हो गई भाई ज़्यादा गंदी, तो ये तो कहना नहीं चाहिए था, अब इतना कौन सहेगा भाई। तो बहादुर यह सहन नहीं कर पाता और अंत में वह अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला जाता है।
इतना किसी के बस की नहीं है कि कोई सुन ले इतना भाई, है ना। तो वो घर छोड़कर चला जाता है और सामान भी अपना छोड़ के चला जाता है भाई। इतना गुस्सा आ जाएगा कि सामान वामान सब छोड़ के भग गया। अब निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। अब निर्मला का जो पति था, जो मेन मालिक था, वो शाम को लौटा। अब शाम को उसने देखा कि हुआ क्या मैटर, तो उसने उसे पता चला होगा कि भाई उसके लड़के ने ऐसे बदतमीजी कर दी, गाली वाली बक दी, इसलिए वो अपना सारा सामान छोड़ के चला गया। निर्मला और उसके परिवार को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। अब क्या, अब एक चीज सोचो यार कि अब जब वो चला गया, तुमने उसको गाली गलौज कर दी, तुम उसको मार रहे हो, पीट रहे हो उस लड़के को, जो अपनी क्या कहते हैं माँ से लड़के बेचारा तंग आके यहाँ पे आ गया था शहर में तुमसे तुम्हारी नौकरी करने, और तुम्हारा अच्छा काम कर रहा था, और तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, उसे सुअर का बच्चा बोल दिया। तो निर्मला और उसके परिवार को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। पर अब ईमानदारी का क्या करोगे, विश्वास का, जब वो चला गया तो बहादुर के कारण वे लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। भाई आराम की कैसे जी रहे थे, आराम भाई सारा काम वो कर रहा था, है ना, रोटी खाना सब्जी धोना सब कर रहा था वो, और तुम आराम से बैठे हुए। परंतु अब वे बहुत पश्चाताप करते हैं, मतलब अब तो पश्चाताप करोगे ही, अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अब देखो ख़त्म हो गई बस कहानी। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, इसको लिखना है आपको अच्छे से। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई यार यार आपने पढ़ी होगी कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चिड़िया गई चुग के, तो वही चीज़ है कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है। बहादुर ने इतना सहन लिया, मार मार खा रहा था, गाली गलौज से रहा था, लेकिन एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि नहीं होती है, तो बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये हो गई तुम्हारी बहादुर की कहानी। क्योंकि उसे बहादुर क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता बहुत थी। वो मारपीट हो रही थी, गाली गलौज दे रहे थे, फिर भी वो सहन कर रहा था। देखा आपने, सिर्फ 5 मिनट की स्टोरी थी और आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। सोचो आपको, आप सोचो, आप एक चीज़ सोचो जरा कि क्या आप इसके, इसमें जो मैंने आपको दिया है, क्या इसमें 80 नहीं होंगे, इसमें क्या इसमें 80 नहीं होंगे, है ना। तो आप इसको अच्छे से लिखना, वीडियो को देखते जाना और इसको पूरा लिखते जाना, है ना। और बीच में अपनी लैंग्वेज ऐड कर देना इसमें, ठीक है, बीच में भाई अपनी लैंग्वेज ऐड कर देना थोड़ी सी, है ना। अब समझदार हो कैसे लैंग्वेज ऐड करनी है। आई होप मेरी बात समझ में आई हो। तो आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।